आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कोलकाता से दिल्ली तक सियासी हलचल चरम पर है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्यपाल कभी सख्त तो कभी मुलायम लफ्जों में आज ममता सरकार को समझाते और चेताते रहे। तो सबसे पहले सुनिए गवर्नर ने क्या कुछ कहा। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रीएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। पॉलिटिकल अपोजिशन को ब्लंट करने के लिए, पॉलिटिकल अपोजिशन को डराने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए, क्विल करने के लिए सरकारी तंत्र का इस प्रकार का सहयोग दर्दनाक भी है, दुखदायी भी है और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। जब भी मेरे पास कोई जानकारी आती है मैं शेयर करता हूं ताकि समय रहते हुए हालात बेलगाम और बेकाबू न हो। जब ये हालात नहीं सुधरे तो बेबसी की हालत में 9:05 पर मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ये लिखा, मैसेज किया, आई कोट, मैं उस दृष्टि में बात कर रहा था कि लोग बेपरवाह होकर आपराधिक कृत्य कर रहे थे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर, दिस इज टू डेंजरस टू बी एक्सेप्टेबल बाय एनीवन हु बिलीव्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ। लेट मी इनवाइट attention of the honorable chief minister to the preamble of Indian constitution, and mind you, state of West Bengal luminaries have great role in that. Withdrawal of this video with apology will raise her stature, will do justice to rule of law, constitution and our rich Bengali culture। बंगाल का सारा बवाल जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव को लेकर शुरू।